Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामवीर सिंह और इस समय आप देख रहे हैं हमारा चैनल जैसलमेर की गलियां। दोस्तों, क्या आप मान सकते हैं कि भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई कोई चीज आज भी पृथ्वी पर मौजूद है? लेकिन यह सत्य है, आज मैं वो चीज आपको दिखाने जा रहा हूं जो भगवान कृष्ण की दी हुई है। कहते हैं कि जैसलमेर का राजवंश भाटी, ये भगवान कृष्ण के वंशज हैं। तो जब द्वारिका पानी में डूबने वाला था, उससे पहले ही भगवान कृष्ण ने अपने एक पुत्र को वो छतरी दी थी जिसको हम मेघाडंबर छत्र बोलते हैं। वो छतरी लेकर के वो वहाँ से गजनी चले गए थे और वो छतरी बाद में जब उनके वंशज जैसलमेर आए तो वो जैसलमेर आ गई। आज वो छतरी जिसको हम मेघाडंबर छत्र बोलते हैं, वो आप देखिए, ये छतरी जैसलमेर के किले के अंदर रखी हुई है और लाखों तीर्थयात्री, यहाँ के दर्शक और पर्यटक इसको देखने आया करते हैं। अब वो छतरी बची कैसे थी, मैं वो बताता हूँ आपको। भगवान कृष्ण को श्राप लगा हुआ था कि जिस प्रकार से कौरव और पांडवों का आपस में लड़ा करके भगवान कृष्ण ने उनका नाश करवाया है, उसी प्रकार कृष्ण तेरे वंश का भी ऐसे ही नाश होगा। ये श्राप दिया था गांधारी ने, जो धृतराष्ट्र की पत्नी थी। तो भगवान को ये पता था कि ये होना है। तो जिस दौरान द्वारिका में भगवान राज्य करते थे, उसी दौरान भगवान के जो उत्तराधिकारी थे, उनको ये लग रहा था कि कृष्ण भगवान जिसको अपना मेघाडंबर छत्र सौंप के जाएंगे वही उत्तराधिकारी कहलाएगा। लेकिन भगवान ने वो मेघाडंबर छत्र पहले ही अपने बड़े पुत्र को दे करके वहाँ से गजनी भेज दिया था और फिर उस मेघाडंबर छत्र के लिए भगवान के अपने धाम जाने के बाद आपस में युद्ध हुआ और वो सारा वंश खत्म हो गया। तो हमारा जो किताब है महाभारत, उसमें यही लिखा है कि कृष्ण का वंश समाप्त हो गया था, लेकिन उनके पुत्र को, कृष्ण ने पहले ही अपने पुत्र को वहाँ से भेज दिया था, इसलिए इनका वंश आज भी बचा हुआ है। गजनी के बाद जो ब्रजनाभू थे उनके पुत्र कृष्ण के, वो वहाँ से पंजाब आ गए थे। तो जितने भी पंजाबी लोग हैं वो भी यदुवंशी हैं, यानी कृष्ण के वंशज, कुछ वहाँ रह गए। और उसके बाद ये वहाँ से आकर के जो आज का राजस्थान के अंदर भटनेर का किला है, वहाँ पर उस किले का निर्माण किया और फिर वहाँ से आकर के ये तन्नौट जो आज का है, तन्नौट से पहले भी एक राज्य किशनगढ़ था, वहाँ पर रहे। तन्नौट यहाँ पर पंवारों का राज्य हुआ करता था, उनको हरा कर वहाँ पर उन्होंने कब्जा कर लिया। और उसके बाद लुद्रवा पर आक्रमण हुआ था महमूद गजनवी का 1058 में, पूरी राजधानी खत्म कर दी गई थी। उसके बाद जैसल देव ने 12 जुलाई 1156 को जो आज का जैसलमेर है, इस किले का नींव रखा था और इस किले का निर्माण किया था। तो इस प्रकार से जो ये किले के अंदर छत्र रखा हुआ है जिसको हम मेघाडंबर छत्र बोलते हैं, ये कृष्ण भगवान का ही दिया हुआ मानते हैं और आज भी लाखों तीर्थयात्री इसके दर्शन करने आते हैं। और अब दीजिए अपने दोस्त श्यामवीर सिंह को इजाजत। नमस्कार।